ये अभी वीडियो जितना जल्दी आप एडिट करके भेजेगी फटाक से शाहरुख जी को चला जाएगा। मेरा वो काम, मेरे वो मुझे यहाँ तक बोला उनकी सेक्रेटरी ने कि मनोज भाई थकते नहीं हो, बोला कहाँ से थकूँ, शाहरुख का वीडियो कैसे थकूँ। और मेरी अपील है ये इंटरव्यू के जरिए, OTT का इंतज़ार ना करें, जो बड़े स्क्रीन में देखने की मज़ा आती है, बड़े साउंड में देखने की मज़ा आती है, वो मज़ा OTT पे नहीं आती। तो प्लीज़ कम टू द थिएटर और एंजॉय करिए। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी, हमें आपने टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत स्वागत है आपका होम बॉलीवुड में। सबसे पहले तो जानना चाहूँगी जवान कितनी जवान है, रिलीज़ को अब 2 दिन हो गए हैं, और क्या धमाल मचा रही है बॉक्स ऑफिस पर। आपको ऐसा नहीं लगता कि मेरा इंटरव्यू लेने में आई अंदर उस वक्त बाहर का माहौल क्या था? बहुत लंबी लंबी लाइन लगी, बहुत बहुत बहुत, यानी मैं अभी क्या, ये देखिए ना कार पार्किंग, जब मुड़िए तो ये हालत है। और अच्छा भी लगता है क्योंकि बॉलीवुड का कमबैक हो रहा है, पठान, गदर 2 और अब जवान। जवान मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही जवान हो गए हैं शाहरुख जी, बड़े अच्छे लगते हैं। साउथ इंडियन टच है क्योंकि साउथ इंडियन डायरेक्टर है, कोरियोग्राफर भी साउथ इंडियन है। खास करके वो जो डांस है सब लड़कियों के बीच में है, लाल शर्ट और काला पैंट पहन के उन्होंने डांस किया है, बड़े खूबसूरत लगते हैं, बहुत बहुत बढ़िया खूबसूरत लगे हैं। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि इतनी प्यारी पिक्चर दी, और आज के सभी शो फुल है, आपके सामने ही है, गेटी गैलेक्सी में, मराठा मंदिर में भी फुल होगा 108 का। तो बस ऐसे ही फिल्मों का इंतज़ार है हमें, बाकी ऊपर वाला मालिक है। कल फिल्म थोड़ी डाउन हुई थी बारिश। हाँ, कल बहुत बारिश थी, काफ़ी लोग को तकलीफ हुई है और आ नहीं पाए, कल थोड़ी डाउन हुई, आज वापस फुल, कल संडे फुल, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या लगता है पठान का रिकॉर्ड तो पहले ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार करके तोड़ चुकी है, लेकिन लगता है देखिए पीछे देखो चला गया, निकल गया पर जो है वो वीकेंड का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी पठान से अगर कंपेयर की जाए तो? टू अर्ली यू से ना, अभी हाँ अभी मेरे ख्याल से संडे चले जाने दो, हाँ वापस मंडे एट मराठा मंदिर एट योर कन्वीनियंस आ जाइए, वहाँ मैं आपको बता दूंगा क्या हुआ एग्जैक्टली। बट आपके अकॉर्डिंग क्या रिस्पॉन्स? बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है, जो पठान में था वही रिस्पॉन्स है, तभी तो गेटी गैलेक्सी 1000-1000 सीट के दो थिएटर और बाहर 2000 पब्लिक, 4000 पब्लिक को संभालना इतना आसान थोड़ी होता है, संभाला है। वैसे पठान के प्रमोशन के टाइम पे हमने शाहरुख को एक्सपेक्ट किया था कि गेटी ऊपर वो आएंगे, क्या लगता है? कुछ मुझे समझ भी नहीं आया, नहीं तो यूजुअली ही कम्स राइट, लेकिन ये टाइम नो आइडिया, बाहर है क्या है मुझे मालूम नहीं है, एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं कि भाई वो आ जाए, बाकी ऊपर वाला मालिक। पर आपसे कोई इस बारे में बात नहीं है? नहीं, मेरे मैं ये अभी वीडियो जितना जल्दी आप एडिट करके भेजेगी फटाक से शाहरुख जी को चला जाएगा। मेरा वो काम, मेरे वो मुझे यहाँ तक बोला उनकी सेक्रेटरी ने कि मनोज भाई थकते नहीं हो, बोला कहाँ से थकूँ, शाहरुख का वीडियो कैसे थकूँ, बोले कितने भेजते हो, बोले जितने मैं इंटरव्यू करता हूँ, तो ऐसी ऐसी बात हो जाती है हमारे बीच में। राइट, अटली आकर गए यहाँ पर, उन्होंने क्या है? किसने? अटली जी डायरेक्शन। अरे अरे अरे, कमाल कमाल धमाल हो गई थी, वो आकर गए हैं यहाँ पर, बहुत ही कम उम्र में उन्होंने ये डायरेक्शन दिया है, ये हासिल किया है। वैसे विजय सेतुपति और शाहरुख खान को एक साथ एक फ्रेम में एक्ट करवाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल बिल्कुल, हैट्स ऑफ हिम, बहुत खुश हूँ मैं, भगवान करे इसी तरह, अल्लाह करे इसी तरह फिल्म आती रहे और इसी तरह हम सब देखते रहे हमारे भारत। वैसे जवान 2, वैसे जब गदर 2 के टाइम पे हमारी बात हुई थी तो आपने मुझसे क्लियर स्पष्ट शब्दों में कहा था कि पठान जवान जब रिलीज होगी तो मेरी पूरी उम्मीदें अब जवान पर टिकी हुई है, आपकी उम्मीदों पर खरी उतर रही? बिल्कुल खरी उतरी है, बा मुलायजा खरी उतरी है, और मैं बहुत खुश हूँ। और मेरी अपील है ये इंटरव्यू के ज़रिए, OTT का इंतज़ार ना करें, जो बड़े स्क्रीन में देखने की मज़ा आती है, बड़े साउंड में देखने की मज़ा आती है, वो मज़ा OTT पे नहीं आती। तो प्लीज़ कम टू द थिएटर और एंजॉय करिए। मनोज जी एक सवाल पूछना चाहूँगी, क्या लगता है इस वीकेंड तक कितना
ऑप्शन होने का आपके अकॉर्डिंग अनुमान है? 300 करोड़ सोच रहा हूँ, बाकी ऊपर वाला मालिक है। पब्लिक किस तरह आती है, बारिश माहौल क्या है, हाँ। सब कुछ देखना है। लेकिन उस बीच संडे भी आ रहा है, संडे भी आ रहा है, तो कवर हो जाना चाहिए। हाँ। ओके, लास्टली गदर 2 पर आपने जवान पर उम्मीद लगाई थी, अब जवान के बाद कौन सी मूवी है जिस पर आपकी उम्मीदें जो है वो टिकी हुई है? अभी शाहरुख की आ रही है ना, कौन सी आ रही है? डंकी आ रही है, उसमें उम्मीद है। फिर हमारे सलमान जी की आ रही है टाइगर 3, वो भी दिवाली में, धमाल तो होनी है, अल्लाह करे, भगवान करे धमाल हो और हमारे दर्शक हमारे गेटी गैलेक्सी में देखने को आए। थैंक यू सो मच मनोज जी, हमें अपना टाइम। आज लास्ट में एक बात और बताना चाहूँगा कि आज रात को ब्रांड न्यू स्क्रीन लग रहा है गेटी में, और उसके बाद तो उसकी बात ही अलग होगी। जो कल देखने वाले हैं उनके लिए ये, क्योंकि इंटरव्यू तो कोई भी देखेगा, ये मैंने फर्स्ट इंटरव्यू है जिसमें मैं बता रहा हूँ मेरा नया स्क्रीन लग रहा है। थैंक यू जी, थैंक यू। और थैंक्स टू माय मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर अरुण आर, जिन्होंने इतना कॉस्टली स्क्रीन खरीदा है एंड ओब्लाइज्ड अस। थैंक यू सर।